कोरोना के चलते देश में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ जनमानस के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ट्राई की अपील के बाद सभी दूरसंचार कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी को लॉकडाउन तक बढ़ा दिया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल एमटीएनएल के अलावा जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया भी शामिल हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी कंपनियों से लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को रिचार्ज और कूपन मिलने में आ रही परेशानी को देखते हुए वैलिडिटी बढ़ाने की अपील की थी। इसके बाद सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों की टॉक टाइम वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इसी के साथ ही ₹10 का मुफ्त टॉक टाइम भी दिया गया है। इसके अलावा एयरटेल ने भी प्रति ग्राहक कम औसत राजस्व के लिए वैलिडिटी को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसका लाभ एयरटेल के 8 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को मिलेगा। न सिर्फ वैलिडिटी 17 अप्रैल तक बढ़ाई, बल्कि ग्राहकों को कॉल करने के लिए 100 मिनट मुफ्त दे रही है। इसके अलावा 100 SMS भी दिए गए हैं। कंपनी ने जानकारी दी कि 17 अप्रैल के बाद भी बिना रिचार्ज कराए ऐसे ग्राहकों की इनकमिंग कॉल जारी रहेगी। स्पेशल डेस्क, जनमत न्यूज़।